बच्चों, मैं आप सभी का सेठसेल हिंदी हाई स्कूल की तरफ से इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व अकाउंट विषय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। इससे पहले आप लोगों ने साझेदारी के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है, साझेदारी के हिसाब तक पढ़ लिए हैं और ख्याति का मूल्यांकन भी किया है। उसी प्रकार चैप्टर नंबर 4 में साझेदारी का पुनर्गठन, यह चैप्टर है हमारा पुनर्गठन। इसमें छोटे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में पहला ही सवाल आता है पुनर्गठन का। यह कुल चैप्टर आपका 5 नंबर का है। इसमें 1 नंबर का सेक्शन ए, 1 नंबर का सेक्शन बी और 3 नंबर का सेक्शन सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी कुल मिलाकर 5 मार्क्स का चैप्टर कंपलसरी आता है। सेक्शन सी में पहला ही सवाल यह चैप्टर का होता है साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन। पुनर्गठन अर्थात क्या? एक वाक्य में सेक्शन बी में कितना पूछा गया है कि पुनर्गठन किसे कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि पुनर्जन्म अर्थात क्या, तो आप लोग कहते हो कि मैम पुनर्जन्म का मतलब दोबारा जन्म लेना। उसी प्रकार पुनर्गठन यानी कि दोबारा गठित करना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि ए बी सी साझेदार हैं, लाभ हानि वितरण का अनुपात बांटने में सहमत हुए हैं, पेढ़ी का लाभ बांटना है, वह सब लोग क्या करते हैं करार पत्र के माध्यम से तैयार करते हैं और उस प्रकार बांटते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि पेढ़ी में कुछ कारणों से परिवर्तन मतलब करना पड़ता है, तो उस समय पेढ़ी का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। इसीलिए इसकी परिभाषा भी हम देखेंगे कि साझेदारी पुनर्गठन अर्थात क्या, कि विभिन्न कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन। विभिन्न यानी कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य 3 कारण दिए गए हैं। पहला, लाभ हानि के वितरण के प्रमाण यानी अनुपात में परिवर्तन करना। वैसे तो बच्चों, जब लाभ हानि वितरण का अनुपात एक बार निश्चित होता है तो उसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं, परंतु सभी साझेदारों की सहमति हो तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। दूसरा कारण है हमारा पेढ़ी में चालू साझेदारी पेढ़ी में नए साझेदार का प्रवेश। इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी इसके बाद वाले चैप्टर में प्राप्त करेंगे। और तीसरा पॉइंट है हमारा पेढ़ी में से चालू पेढ़ी में से साझेदार की निवृत्ति अथवा तो क्या हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो हम क्या करते हैं पेढ़ी का पुनर्गठन करते हैं। इस चैप्टर के अंदर मुख्य जब हम प्रवेश या निवृत्ति करते हैं या लाभ हानि का वितरण प्रमाण बदलते हैं, तो मुख्य क्या होता है कि कोई साझेदार लाभ करता है और कोई साझेदार क्या करता है, त्याग करता है। तो किस साझेदार ने कितना त्याग किया और किसने कितना लाभ प्राप्त किया, यह गणना करने के लिए पेढ़ी की बही में हमको 2 सूत्र दिए हैं और आपको यही 2 सूत्र परीक्षा सेक्शन सी में आपको कंपलसरी मतलब यह सूत्र आएगा। 2 में से कोई भी एक सूत्र पूछा जाता है। साझेदार का त्याग, पुराना भाग में से क्या करना है, नया भाग हमें माइनस करना है। यदि त्याग निकालते समय यदि उत्तर ऋण में यानी कि माइनस में आए तो उसका विपरीत त्याग का क्या हो जाएगा, लाभ माना जाएगा। खास ध्यान रखना कि यदि त्याग निकालते समय पुराने भाग में से नया भाग घटाते हैं और यदि उत्तर ऋण में आता है तो त्याग का क्या हो जाएगा, लाभ। उसी प्रकार साझेदार का लाभ बराबर या लाभ का प्रमाण कहते हैं, उसमें नया भाग में से पुराना भाग घटाया जाता है। नए भाग में से हम क्या करते हैं बेटा, पुराना भाग घटाते हैं या अनुपात घटाते हैं, और घटाने के बाद यदि उत्तर ऋण में आए तब त्याग माना जाएगा। इतनी बार परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है वाक्य में कि यदि त्याग या लाभ निकालते समय यदि किसी साझेदार का लाभ 0 आए, 0 आए, तब क्या माना जाएगा, तब उस साझेदार ने कोई भी लाभ या कोई भी त्याग नहीं किया है ऐसा माना जाता है। जब क्या आए, लाभ या त्याग 0 आए, तो क्या मानेंगे, उस साझेदार ने कोई भी लाभ या कोई भी त्याग नहीं किया है। अब हम स्वाध्याय की ओर आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 सूत्र कंपलसरी, 2 में से कोई भी एक सूत्र आएगा 3 नंबर में सेक्शन सी में। तो हम पहला सवाल देखते हैं, पहले अमर और अकबर सवाल है हमारे पास में। अमर और अकबर समान अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार हैं। उन्होंने भविष्य में अपना लाभ बदलकर लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए 3-2 करना निश्चय किया है। इस संजोग में
कि शायदान ने कितना त्याग किया है बताइए। किताब के अंदर पेज नंबर 139 पर सवाल नंबर हमको 4 दिया है, वो खास आपको ध्यान देना है। तो अमर और अकबर कैसे लाभानी बांटते हैं? समान, समान का मतलब होता है एक और एक। भविष्य में यानी जो बांटते हैं इसे हम कहते हैं पुराना अनुपात यानी पुराना भाग, और भविष्य में जो बांटने वाले हैं वो क्या हो जाएगा बेटा? नया भाग। अब हमें क्या करना है, इसको काउंट कर लेना, प्लस कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। एक और एक कितना हो गया? दो। एक और एक दो, तो एक बटे दो, एक बटे दो। तीन और दो कितने हो गए? पाँच। हमेशा इन दोनों को प्लस करके और बटे में कर देना है, पाँच। ये हो गया हमारा पुराना भाग, ये हो गया हमारा नया भाग। अब सूत्र की ओर आते हैं, हमें निकालना है त्याग। सवाल में आपको कहा ही गया होगा कि त्याग निकालिए अर्थात तो लाभ की गणना कीजिए। अब हम शायदान का त्याग बराबर कंपलसरी आप लोग को सवाल में मतलब सूत्र मेंशन करना है। इसका एक मार्क्स आपको बोर्ड में मिलेगा और दो मार्क्स गणना के होते हैं। सवाल में सूत्र कंपलसरी लिखना है। अमर का त्याग निकालेंगे तो अमर का त्याग बराबर पुराना अनुपात यानी पुराना भाग ये रहा, अमर का पुराना भाग कितना है? एक बटे दो, माइनस नया भाग कितना है? तीन बटे पाँच। एलसीएम निकालेंगे अथवा डायरेक्ट गणना करेंगे तो भी मैं आपको बता दूँ दो मेथड हैं। अभी सिंपल हम एलसीएम करते हैं, पाँच दूनी कितना हो जाएगा? दस। फिर क्रॉस गुणा करेंगे, पाँच एकम पाँच, दो तियाँ छः, तो पाँच में से छः गया तो उत्तर कैसे आया? माइनस में, क्योंकि माइनस बड़ा है ना यहाँ पर, तो माइनस एक बटे क्या हो जाएगा? दस। मैंने बताया था आप लोगों को यदि उत्तर कैसे आए, माइनस में आए, हम क्या निकाल रहे हैं? त्याग। या माइनस में आए तो ये क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार हम निकालेंगे हम अकबर का। सबसे अच्छा सवाल ये हमारा, क्योंकि इसके अंदर हमारा उत्तर हमें यही प्राप्त तो हो जाता है कि हमने सवाल सही किया है या गलत, आसानी से हमें उत्तर मिल जाता है। अकबर का त्याग पुराना भाग। अब अकबर की ओर आते हैं, अकबर का पुराना कितना? एक बटे दो, नया कितना? दो बटे पाँच। फिर क्रॉस गुणा करेंगे, पाँच दूनी दस, पाँच एकम पाँच, दो दूनी चार, पाँच में से चार गया एक, एक बटे दस, उत्तर कैसे आया? प्लस में, प्लस में आया तो क्या होगा? त्याग। जितने ही भाग का अमर ने लाभ प्राप्त किया उतने ही भाग का अकबर ने क्या किया है? त्याग किया है। यानी जितने माइनस आएगा उतना ही प्लस भी आना चाहिए। इतना आप करोगे तो आपको तीन मार्क्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कोमल कृपा और करिश्मा एक शायदारी पीढ़ी के शायदार हैं। लाभ हानि तीन दो के प्रमाण में बांटते हैं। सभी शायदारों ने भविष्य में लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5-3-2 करना निश्चय किया है। इस जानकारी पर से त्याग की प्रमाण की गणना कीजिए। यानी यहाँ पर पहले कैसे बांटते थे लोग? 3-2-1, ये कौन सा भाग हो गया बेटा? पुराना भाग। पुराना भाग दिया है, भविष्य में जो बांटेंगे उसे हम क्या कहते हैं? नया भाग कहते हैं। जैसे ऊपर किया उसी प्रकार हम क्या करेंगे, पहले सभी अनुपात को प्लस कर लेते हैं। 3-2-5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6, नया है 5 और 3 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। 5/10, 3/10 और 2/10। अब हम निकालते हैं पहले कोमल का त्याग। कोमल का त्याग बराबर पुराना भाग कोमल का कितना है? 3/6, नया 5/10। गुणा करेंगे, 10 × 6 करेंगे तो 60, 10 × 3 30 और 6 × 5 30, 30 में 30 गए तो क्या हो गया? 0, 0/60। जैसे मैंने बताया था कि त्याग या लाभ निकालते समय कोई शायदार की बाकी कैसी आए? 0 आए, तो क्या माना जाएगा? कोमल ने कोई भी त्याग नहीं किया और कोई भी लाभ प्राप्त हुआ नहीं है। इसी प्रकार निकालेंगे कृपा का त्याग। कृपा का पुराना अनुपात कितना है बेटा? 2/6। ये लिखते समय खास ध्यान रखना, अगर आगे पीछे हो गया नया पुराना तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। सिंपल मेथड से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। और नया भाग है हमारा 3/10। फिर क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ 10 × 6 = 60, 10 × 2 = 20,
और 6 3 18, 20 में से 18 गए, 2/60। फिर निकालेंगे करिश्मा का, करिश्मा का त्याग, करिश्मा का पुराना भाग कितना है 1/6, नया कितना है 2/10। क्रॉस गुणा करते हैं, 10 × 6 = 60, 10 × 1 = 10, 6 × 2 = 12। माइनस क्या है, बड़ा, तो 12 में से 10 गए तो माइनस का 2/60। अब यहाँ कट जा रहा है बेटा, देखो दोनों जगह बाकी समान है ना, तो 1/30 और -1/30। यह आंसर हमको मिला है कि कृपा ने क्या किया, एक भाग का त्याग किया, जो करिश्मा ने क्या किया, माइनस बाकी आई है। तो मैंने बताया था यदि उत्तर माइनस में आए तो क्या मानेंगे, उसका विपरीत, त्याग का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इस तरह कोमल ने कोई लाभ या त्याग प्राप्त किया नहीं है, कृपा को एक एक भाग का त्याग किया है और करिश्मा ने एक भाग का लाभ प्राप्त किया है। आगे आते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर। सचिन, राहुल और रोहित एक पेढ़ी के सायेदार हैं, उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1 2 2 है। सभी सायेदार ने लाभ हानि का प्रमाण बताकर भविष्य के लिए 3 2 1 करने का निश्चय किया। सायेदार ने किए त्याग की गणना कीजिए। फिर हम उसी प्रकार से सारी गणना करेंगे। ये भविष्य में जो बांटते उसे हम बोलते हैं नया भाग, और जो अभी बांट रहे उसे हम बोलते हैं पुराना भाग। तो पुराना भाग और ये हो गया हमारा नया भाग। 1 और 2 = 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा 5, 1/5, 2/5, 3/5। नया भाग में 3 और 2, 5 और 1 = 6, 3/6, 2/6, 1/6। अब हम निकालेंगे यहाँ पर त्याग, पुराना भाग माइनस नया भाग। सबसे पहले हम निकालेंगे सचिन का, सचिन का त्याग निकालेंगे। सचिन का पुराना कितना दिया है 1/5, में से नया 3/6, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 15, 15 में से 6 गए, उत्तर कैसे आएगा 9/30। ठीक है, देखो यहाँ पर अविभाज्य संख्या ही है 5, इसलिए एलसीएम भी अगर निकालेंगे तो 30 ही आता है। खास ध्यान रखना 6 × 6 = 15, 15 में से 6 गए, उत्तर कैसे आएगा माइनस में, क्या निकाल रहे हैं त्याग, उत्तर माइनस में है, इसको क्या माना जाएगा, लाभ माना जाएगा। इसी प्रकार निकालेंगे हम लोग राहुल का, राहुल का त्याग बराबर, राहुल का पुराना कितना 2/5, नया कितना 2/6, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 5 × 2 = 10, 12 में से 10 गए तो क्या हो जाएगा 2/30, उत्तर कैसे आया प्लस में, तो क्या माना जाएगा त्याग। फिर निकालेंगे हम लोग रोहित का, रोहित का त्याग बराबर, पुराना अनुपात कितना 2/5, नया कितना 1/6, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 5 × 1 = 5, 12 में से 5 गए 7, 7/30, उत्तर कैसे आया प्लस में, क्या माना जाएगा त्याग। अब देखो बच्चों यहाँ खास आपको आंसर मिलेगा ना, इसी में मिल जाएगा। सचिन ने 9 भाग का लाभ किया, जिसमें 2 भाग किसने दिए, राहुल ने, 7 भाग किसने दिए, रोहित ने, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 प्लस में और 9 माइनस में, यानी आपका उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा, जिससे आसानी से आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। आगे सवाल नंबर 7 की ओर आते हैं हम लोग। दीपक, नीलेश और प्रतीक एक सायेदारी पेढ़ी के सायेदार हैं, उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1 2 3 है, जो भविष्य में 2 2 1 करना निश्चय किया है। सायेदार ने कितना लाभ मिला है इसकी गणना करनी है, खास ध्यान देना। अब हमें निकालना है लाभ, लाभ में सूत्र क्या होता है, बदल जाता है, नया भाग माइनस पुराना भाग। उसी प्रकार करेंगे, कौन से अनुपात में बांटते हैं 1 2 3, ये हो गया हमारा पुराना भाग, और भविष्य में कैसे बांटेंगे 2 2 1, ये हो गया हमारा नया भाग। तो 1 और 2 = 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, 2/6, 3/6, 2 2 = 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, 2/5, 2/5, 1/5। अब सूत्र हमारा क्या हो जाता है बेटा, बदल जाएगा। दीपक का लाभ, दीपक का नया, खास ध्यान देना कौन सा चाहिए हमको, नया भाग, नया भाग कितना
दो बटे पाँच, पुराना कितना, एक बटे छः, क्रॉस गुणा, छः पचे तीस, छः दूनी बारह, पाँच एकम पाँच, बारह में से पाँच गए, कितना जाएगा, सात बटे में तीस। उत्तर कैसे आया, प्लस में, तो इसको क्या मानेंगे, लाभ, जो लाभ निकाल रहे हैं ना, इसलिए लाभ माना जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नीलेश का, नीलेश का नया कितना, दो बटे पाँच, पुराना कितना, दो बटे छः, छः पचे तीस, छः दूनी बारह, पाँच दूनी दस, बारह में से दस गए, दो बटे में तीस, उत्तर कैसे आया, प्लस में, प्लस में आया तो क्या मानेंगे, लाभ, क्योंकि लाभ निकाल रहे इसलिए, ठीक है। अब हम आगे आते हैं प्रतीक का लाभ, प्रतीक का लाभ बराबर प्रतीक का नया भाग कितना, एक बटे पाँच, पुराना भाग कितना, तीन बटे छः, छः पचे तीस, छः एकम छः, पाँच तिया पंद्रह, पंद्रह में से छः गए तो माइनस नौ बटे में तीस। उत्तर कैसे आया, माइनस में, क्या निकाल रहे हैं, लाभ, तो उत्तर माइनस में आया तो क्या माना जाएगा, त्याग माना जाएगा। अब फिर से देखो हमारा आंसर, हम यहाँ पे मैच कर लेते हैं, प्लस में सात, प्लस में दो, तो प्लस में कितने हो गए नौ, और सामने माइनस में कितने हो गए नौ, यानी प्लस और माइनस कैसे आना चाहिए, समान आना चाहिए।